स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में भी ये डिस्कस किया है। जब एक डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर हम इशू करते हैं तो उसे इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिबेंचर की एक वैल्यू लिखी है 100 रुपीज़, यानी वो फेस वैल्यू है डिबेंचर की, वो नॉमिनल वैल्यू है, और हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं मान लो 140 में, यानी 40% प्रीमियम पे। 100 का डिबेंचर 140 में, तो जो 40 रुपीज़ है वो प्रीमियम है। अब बात आती है जनरल एंट्रीज़ की, कि वाइल पासिंग जनरल एंट्रीज़ हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को कहाँ शो करें। मैंने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, कि मैं ये मान के चला हूँ कि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ भी मंगाया जा सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी, और कॉल्स के साथ भी। तो मैंने जनरल एंट्रीज को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। और हम समझेंगे अगर हर इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम हो तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। देखिए, जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो हमारी सिंपल जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, इस एप्लीकेशन में, डिबेंचर एप्लीकेशन में फेस वैल्यू का अमाउंट भी है स्टूडेंट्स, और प्रीमियम का अमाउंट भी है। तो सेकंड जो ट्रांसफर एंट्री होगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी जो एप्लीकेशन अकाउंट में जो पैसा पड़ा है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा फेस वैल्यू का पैसा, एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। यानी यहाँ एक बात समझें आप, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ हो तो वो सेकंड यानी ट्रांसफर एंट्री में आएगा बेटा। और एक बात और समझें, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा, ये सिर्फ याद रखने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमेशा डिबेंचर के साथ रहता है। देखिए, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी में सॉल्व हो जाएगी। यानी आपको माइंड में क्या रखना है, जहाँ डिबेंचर क्रेडिट होगा, और अगर प्रीमियम उस इंस्टॉलमेंट के साथ है तो डिबेंचर के साथ ही प्रीमियम भी क्रेडिट होना है। डिबेंचर एक लोन है और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा एक कैपिटल प्रॉफिट है, लेकिन दोनों की नेचर क्या है, दोनों क्रेडिट होते हैं, इसलिए साथ साथ रहते हैं बेटा। अब अगले केस पर आ जाइए, अगर प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ हो या कॉल्स के साथ हो, तो रिमेंबर वन थिंग, प्रीमियम का पैसा अगर कॉल्स या अलॉटमेंट के साथ हो तो हमेशा ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा। यानी जब अमाउंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट का ड्यू होगा या कॉल का ड्यू होगा, अमाउंट ड्यू होने का मतलब आप समझते हैं, अमाउंट ड्यू होने का मतलब होता है हमने डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया है कि भाई आप लोग अलॉटमेंट मनी भेज दीजिए, तो ड्यू की एंट्री पास कर देते हैं, तो उसमें प्रीमियम आएगा। जब हम कॉल्स के लिए इन्फॉर्म करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को कि भाई कॉल का पैसा भेज दो, तो ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास की है, डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया है कि आप अलॉटमेंट मनी भेज दीजिए, तो देखिए यहीं पर क्रेडिट हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर्स अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जैसे मैंने पिछली एंट्री में भी बताया था बेटा, यहाँ पर देखिए, जहाँ डिबेंचर क्रेडिट होता है वहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है। यानी अगर ये अलॉटमेंट के साथ हो तो जब अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो रहा है उसी में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और रिसीव की एंट्री में टोटल अमाउंट मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आते हैं थर्ड केस पे, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कॉल्स के साथ हो, तो मैंने अभी बताया आपको इसी वीडियो में, जब भी अलॉटमेंट या कॉल के साथ हो तो ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा। तो कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होती है आप जानते हैं, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो डिबेंचर के साथ क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए कैसे, 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट, एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यानी जब कॉल का मनी ड्यू होगा वहीं पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जैसा मैंने अभी बताया था बेटा, देखिए इसे चीज को ध्यान से, जहां पर डिबेंचर क्रेडिट होता है उसी के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है। यानी अगर प्रीमियम का पैसा कॉल के साथ हो तो ये क्रेडिट होगा, देखिए ड्यू की एंट्री में, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और रिसीव की एंट्री सिंपल हो जाएगी, टोटल अमाउंट रिसीव से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इन एंट्रीज को एक बार फटाफट ब्रीफ में देख लेते हैं। प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के साथ हो तो सेकेंड एंट्री में आएगा, अलॉटमेंट के साथ हो तो ड्यू की एंट्री में, कॉल्स के साथ हो तो ड्यू की एंट्री में ही क्रेडिट होगा।